इस पर कोई चर्चा नहीं हो और ना ही सत्ता पक्ष ना विपक्ष, दोनों का कोलैबोरेशन। हिम्मत ही नहीं है सत्ता के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ बात करने की। लगातार मैं कहता रहा हूं कि बीजेपी की भी थी जो बात संजय जायसवाल ने कही और जो बात नित्यानंद राय और इन लोगों के बीच हो रहा है। मैं कई बार कहा सबसे ज्यादा अपराध कहां पे है, सबसे ज्यादा अपराध पटना, नालंदा, हाजीपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, बेतिया, जहां बीजेपी और सत्ता का सबसे बड़ा लोग विपक्ष का सबसे ज्यादा अपराध उस जगह। होम मिनिस्टर हाजीपुर, पारस जी मिनिस्टर हाजीपुर, विपक्ष का नेता हाजीपुर, और उसके पहले विपक्ष के परिवार वहीं से सब जीते। 104 हत्या हुई, किसी में नहीं कर। नालंदा में दो दो नरसंहार हुए, मुख्यमंत्री जी चर्चा तक नहीं की। बेगूसराय में गिरिराज सिंह लाचार, राधामोहन सिंह मोतिहारी में, रामा देवी सीवर में सुबोध यादव मुखिया को 11 गोली मारा गया, उसके बाद दो दो पासवान भाई को मारा गया, रंजय पासवान को मारा गया, कठुआ में दो दो लोगों को मारा गया, बेतिया में डिप्टी सीएम और संजय जायसवाल भाजपा के अध्यक्ष, इनको थाना नहीं सुनता, डिप्टी सीएम को डीएसपी फोन नहीं उठाता है, स्पीकर का फोन दरोगा नहीं उठाता है, मुख्यमंत्री की बात उसके जिला नहीं करते हैं, गिरिराज का फोन एसपी नहीं उठाता है, और होम मिनिस्टर पारस और विपक्ष कभी जाने का नाम नहीं लेता। आप कभी कल्पना करिए कि पूरी भारत की तीन चीज, सबसे ज्यादा शराब की बिक्री महाराष्ट्र और बम्बई से ज्यादा शराब की बिक्री बिहार।